अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू सैमाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं चना दाल कढ़ाई। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल कढ़ाई के लिए मैं सबसे पहले ये कढ़ाई लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हा जला लूँगी इसका। इसमें डालूँगी मैं 4 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें डाल दूंगी ये 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी 1 से 1.5 मिनट के लिए, लो टू हाई फ्लेम पे। ये 1 मिनट हो गया है, मैंने ये अदरक लहसुन को थोड़ा फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी ये 3 दरमियाने साइज टमाटर है, जिनको इस तरह मैंने मोटा मोटा चौक काट लिया है। मैं इसको डाल दूंगी इसमें। अब ये टमाटर डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं हल्की आंच पे कवर कर दूंगी ताकि ये जो टमाटर है इसकी पेस्ट बन जाए। ये 1 से 1.5 मिनट हो गया, मैंने इसको कवर कर दिया था। ये टमाटर देखिए अच्छी तरह गल चुके हैं, और चम्मच की मदद से मैं इसको मसल लूँगी। अब इसमें मैं मसाले शामिल करूंगी। 1 टीस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास ये लाल मिर्च पाउडर है, और 1/2 टीस्पून नमक, ये इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। अब इसमें थोड़ा पानी शामिल करूँगी, 1/2 कप पानी डाल दूंगी इसमें, और थोड़ी सी आंच इसकी तेज करूंगी। अब इसको मैं 1-2 मिनट पकने दूंगी मसाले, ताकि अच्छी तरह हमारे पक जाए। ये 1 से 1.5 मिनट मैं मसालों को अच्छी तरह पका लिया है। ये देखिए मसाले डाल के ये सालन हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप बॉयल की हुई दाल। ये 1 कप मैंने चने की दाल ली थी जिसको मैंने बॉयल कर लिया। इसका दाना नहीं टूटना चाहिए, ये देखें दाल हमारी गल गई है और दाना नहीं इसका टूटा। इसको शामिल कर लूंगी। अब इसको करूंगी अच्छी तरह मिक्स। अब मैंने दाल डाल दी है इसमें। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, और इसको 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे पकने दूंगी। ये दाल हमारी बिल्कुल देखें खुश्क हो गई है, पानी इसका खुश्क हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 लीमू का रस, इसमें डालूंगी हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, कटी अदरक, और ये हरा धनिया, और इसको करूंगी मैं अच्छी तरह मिक्स। ये डिश बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट करूंगी। अब हम दाल के तड़के के लिए 1 टेबल स्पून भर के इसमें देसी घी डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून देसी घी डालने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी राई। राई हमारी पकना शुरू हो गई है, इसमें मैं ये साबुत गोल लाल मिर्च डाल दूंगी 4 अदद, ये थोड़ा सा सफेद जीरा साबुत, इसी तरह हिलाते इसको ताकि एक तरफ से जले नहीं। ये तड़का हमारा तैयार है। अब ये मैं बोल में दाल डाली है उसमें डाल दूंगी। बोल में हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं ये तड़का डाल दूंगी। साथ थोड़ी सी अदरक, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, और ये ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारी चना दाल कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आपको मैंने इसके साथ प्लेटर की पूरी गार्निश बता दी है कि आप इसको लंच में कैसे खाएं, साथ पराठे के साथ अचार लें और साथ सैलेड लें। आप इसको खूब एंजॉय करें,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।